नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर को समझे थे, आज हम लोग समझेंगे कि कब हमारा ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल कहलाता है या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के क्या क्या गुण होते हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ऐसा हम क्या आइडियल ट्रांसफार्मर में मॉडिफिकेशन करते हैं कि वही आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बन जाता है, इक्विवेलेंट सर्किट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का हमारा कैसा होता है, इन सभी टॉपिक को आज हम लोग डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। सबसे पहले तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे, क्या क्या इसके गुण होने चाहिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं बिंदुओं का जिक्र करूंगा, ये भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हर एक प्रॉपर्टी को, हर एक पॉइंट को आपको याद करना ही पड़ेगा, ताकि आपके पेपर में भविष्य में कभी इस पर आधारित प्रश्न बनते हैं तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर सको। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर हम लोगों ने देखा था कि आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा वाइंडिंग का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रेजिस्टेंस को रखता है। इट मीन्स हम वही आइडियल ट्रांसफार्मर को ही हम किस में शिफ्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। तो आइडियल ट्रांसफार्मर का जो जो गुण था उसी को मैं मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि कब हम कहेंगे कि वही आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करने लगा या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बन गया। तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग प्रतिरोध रखता है। तो मैं पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग प्रतिरोध रखता है। इट मीन्स इसमें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। दूसरा, जरा गौर करिए, आइडियल ट्रांसफार्मर हमने क्या आपको जिक्र किया था कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जो परमेबिलिटी, चुंबकशीलता होती है कोर की, वह इनफाइनाइट था, अनंत था, जो कि ऐसा संभव नहीं है। अब वही ट्रांसफार्मर यदि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में तब्दील हो जाएगा तो हम उसको कैसा स्टेटमेंट चेंज करेंगे कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के कोर की जो चुंबकशीलता होगी वो हमारा कितना होगी, फाइनाइट होगी। तो यहां पर बोल सकते हो फाइनाइट होती है, यहां पर इनफाइनाइट नहीं है, कैसा है, फाइनाइट होती है। दूसरी चीज है, ये भी आपको मैंने जिक्र कराया था कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर में जो हमारा लीकेज फ्लक्स वहां पर शून्य के बराबर था, या लीकेज इंडक्टेंस हमारा शून्य के बराबर था, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नहीं होगा। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में 100% आपको लीकेज फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में या एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स एग्जिस्ट करता है या होता है, जो कि आइडियल ट्रांसफार्मर में नहीं था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमने आपको डिस्कशन किया था आइडियल ट्रांसफार्मर में, कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉसेस नहीं होता था, ना तो रेजिस्टेंस की वजह से, ना तो हिस्टेरेसिस की वजह से, ना तो ईडी करंट की वजह से, वहां पर कोई लॉसेस नहीं था। इसी वजह से हम बोल रहे थे कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वह 100% होती है।
लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें लॉसेस ना हो। तो अगर मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करूं तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स रेजिस्टेंस की वजह से भी लॉस होता है, ईडी करेंट की वजह से भी लॉस होता है, हिस्टेरेसिस के भी वजह से लॉस होता है। इट मीन्स लॉसेस के कारण हम बोल सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की जो हमारी इफिशेंसी होती है वो 100% नहीं होती है। तो आप सिंपल स्टेटमेंट बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लॉसेस के कारण दक्षता 100% नहीं होती है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लॉसेस के कारण दक्षता, दक्षता मीन्स इफिशियंसी, हंड्रेड परसेंट नहीं होती है, 100% नहीं होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको जानना चाहिए कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर कब हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में तब्दील हो जाता है, या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हम किसे कहेंगे, जब ये चीज़ें होंगी तो वह हमारा ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। इट मीन्स वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, कोर की चुंबकशीलता फाइनाइट होगी, लीकेज फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, ट्रांसफार्मर में लॉसेस होंगे, इफिशेंसी कभी भी 100% आपका नहीं होगा। ऐसा अगर कंडीशन ऐसा आपको देखने को मिलता है तो 100% वो हमारा ट्रांसफार्मर वह प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा, वह आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होगा। तो एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको हमने आपको जिक्र किया। अब चलिए देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि आखिर एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या क्या एडिशनल चीज़ें एग्जिस्ट कर गई। एडिशनल चीज़ें एग्जिस्ट करने की वजह से आइडियल ट्रांसफार्मर का जो हमारा सर्किट था उसमें कैसा मॉडिफिकेशन हुआ, इन सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले यदि ट्रांसफार्मर हमारा प्रैक्टिकल हो गया तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट आएगा वह हमारा क्या आएगा, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। वह हमारा क्या होगा, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। वाइंडिंग रेजिस्टेंस वाइंडिंग रेजिस्टेंस इट मीन्स प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। वही आइडियल ट्रांसफार्मर में इसको हम नेग्लिजिबल लेके चल रहे थे, नगण्य मान के चल रहे थे कि वहाँ पर कोई भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि ऐसा संभव नहीं है। तो यदि मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो आप बोल सकते हो सिंपल तरीके से कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में, या दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में कुछ ना कुछ आपका प्रतिरोध एग्जिस्ट करता है। यदि प्राइमरी और सेकेंडरी में आपका कुछ ना कुछ प्रतिरोध एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं इसका जो हमारा सर्किट बनेगा वो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर से कुछ अलग बनेगा। वह अलग क्या होगा कि जो हम आइडियल ट्रांसफार्मर का जो हम सर्किट बनाते हैं, जो उसमें आपको विदाउट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम उसको रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व कर लेंगे। रेजिस्टेंस को कैसे इन्वॉल्व करोगे, या उस रेजिस्टेंस का आइडियल ट्रांसफार्मर पर कैसा प्रभाव दिखेगा, तो आप यह पाओगे कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर का जो हमारा इक्विवेलेंट था उसमें प्रत्येक वाइंडिंग के साथ यही हमारा रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़ जाएगा। किस में जुड़ जाएगा, श्रेणी में जुड़ जाएगा। तो आप रेजिस्टेंस का प्रभाव आप कैसे देख पाओगे कि रेजिस्टेंस का प्रभाव यही होगा कि जो भी हमारा इक्विवेलेंट सर्किट किसका था, आइडियल ट्रांसफार्मर का था, उसके प्रत्येक वाइंडिंग के साथ हमारा प्रतिरोध अब श्रेणी में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यही हमारा नया मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस का प्रभाव हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर में कैसा प्रभाव पड़ेगा उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यह जो हमारा ट्रांसफार्मर है हमारा कैसा है, यह आइडियल है। अगर मैं यहां तक की बात करूं तो यह ट्रांसफार्मर हमारा कैसा है, आइडियल है।
लेकिन जैसे ही वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एग्जिस्ट किया, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एग्जिस्ट किया, अब इसमें हमारा सर्किट में नया मॉडिफिकेशन क्या होगा कि इसके साथ हमारा जो रेजिस्टेंस वाइंडिंग का, प्रत्येक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इसी ट्रांसफार्मर के साथ हमारा कैसा हो जाएगा, श्रेणी में जुड़ जाएगा। इट मीन्स आप पाओगे कि यहाँ पर भी आपका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये सेकेंडरी का R2, और यहाँ पर भी आपका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये प्राइमरी का R1, प्राइमरी का R1। तो इस तरह से आपका ये सर्किट मॉडिफाई कर जाएगा, जो पहले आपका यहाँ तक का हिस्सा आइडियल ट्रांसफार्मर के था। अब आइडियल ट्रांसफार्मर में आपने क्या देखा कि कहीं न कहीं आपको उसी ट्रांसफार्मर के साथ हमारा जो रेजिस्टेंस दोनों वाइंडिंग का है वह उसके साथ कैसा हो गया, श्रेणी में जुड़ गया। यही इसमें नया मॉडिफिकेशन था। यह हमारा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस का या रेजिस्टेंस का यहाँ पर प्रभाव आपको यही आइडियल ट्रांसफार्मर में किस प्रकार से देखने को मिला कि यह जो हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर था उसके साथ दोनों वाइंडिंग में, इट मीन्स प्रत्येक वाइंडिंग में रेजिस्टेंस इसी के साथ हमारा कैसा जुड़ गया, श्रेणी में जुड़ गया। तो अब यही हमारा ट्रांसफार्मर कैसा बन गया, अब हमारा प्रैक्टिकल का रूप धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अब जीरो नहीं है, अब यहाँ पर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर गया है। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस का प्रभाव एक आइडियल ट्रांसफार्मर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये तो था कि हमारा वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का आइडियल ट्रांसफार्मर में कैसा प्रभाव पड़ा कि वह प्रैक्टिकल का रूप आपको लेता चला गया। दूसरी चीज़ें क्या है कि यही चीज़ें, ये तो मैंने रेजिस्टेंस की बात किया था, मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर में आपको क्या बताया था कि लीकेज फ्लक्स जो हमारा होता है या लीकेज रिएक्टेंस जो होता है वह नेग्लिजिबल के बराबर होता है या शून्य के बराबर होता है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में मैंने अभी आपको मैं डिस्कस किया कि लीकेज फ्लक्स होता है, अगर लीकेज फ्लक्स होगा तो लीकेज रिएक्टेंस भी होगा, लीकेज अगर फ्लक्स होगा तो लीकेज रिएक्टेंस भी होगा। तो लीकेज रिएक्टेंस का प्रभाव हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर में कैसा दिखेगा या उसके सर्किट में कैसा मॉडिफिकेशन होगा, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्राइमरी और सेकेंडरी का जो लीकेज अगर फ्लक्स वहाँ पर एग्जिस्ट किया हुआ है, तो अगर कोर में अगर लीकेज फ्लक्स एग्जिस्ट किया हुआ है तो उसका इम्पैक्ट हमारा सर्किट में कैसा देखने को मिलेगा, वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रभाव होगा वो हमारा क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस के प्रभाव को आप जरा देखिएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको एक सर्किट को ध्यान देना पड़ेगा ट्रांसफार्मर के। इस ट्रांसफार्मर के डायग्राम को जरा ध्यान दीजिए, ये कहानी है। इसमें आपको मैंने बताया था कि जैसे आप प्राइमरी में सप्लाई देते हो तो प्राइमरी करंट की वजह से प्राइमरी एम्पियर टर्न एक हमारा MMF क्रिएट होता है, और उस MF की वजह से आपको कोर में एक फ्लक्स आपको प्रोड्यूस होता है और वह कोर में आपको ट्रेवल करता है। वह फ्लक्स हमारा क्या कहलाता है, म्यूचुअल फ्लक्स। यही हमारा म्यूचुअल फ्लक्स है। यह फ्लक्स हमारा कौन सा है, म्यूचुअल फ्लक्स। यह हमारा म्यूचुअल फ्लक्स है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा म्यूचुअल फ्लक्स है।
दूसरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लीकेज को यहां पर दिखाना, लीकेज। अब लीकेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो, जरा समझिए, एक हमारा लिंकेज फ्लक्स होता है, दूसरा हमारा लीकेज होता है। जो फ्लक्स कोर को पूरी तरह से मैग्नेटाइज करने में अहम रोल प्ले करता है उसको हम लिंकेज फ्लक्स बोलते हैं, जो म्यूचुअल हमारा, जो म्यूचुअल फ्लक्स यहाँ पर अपना काम कर रहा है। लेकिन कुछ फ्लक्स क्या होते हैं कोर में, हमारा क्या होता है, वह कोर को मैग्नेटाइज न करके वह एयर में चला जाता है या उसका मैग्नेटाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है, उस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। और ऐसा हमारा दोनों साइड आपको क्रिएट होता है, किधर, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। इट मीन्स यह फ्लक्स, यह फ्लक्स यहाँ पर हमारा एक फ्लक्स होगा, उसी प्रकार से और इधर भी वही कहानी एग्जिस्ट करेगी। अब ये जो रेड कलर का मैंने फ्लक्स दिखाया है, वह रेड कलर वाला फ्लक्स हमारा कैसा होता है, यही लीकेज फ्लक्स को इंडिकेट करता है। इट मीन्स यह जो हमारा फ्लक्स है, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स इसको बोल सकते हो, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स जिसको हम फाई एलेवन बोल रहे हैं, फाई एलेवन बोल रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी लीकेज फ्लक्स है। उसे इधर भी हमको इसको क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, फाई एल टू बोलेंगे, फाई एल टू। तो ये हमारा सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स है और ये हमारा क्या है, प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स है। फाई एल वन प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स और फाई एल टू सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लीकेज रिएक्टेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपका फ्लक्स है तो फ्लक्स की वजह से ही हमारा क्या होता है, फाई, तो फ्लक्स, फ्लक्स की वजह कहीं ना कहीं हमारा किसके बदल होता है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की यहाँ पर फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। अगर इंडक्टेंस की फिनोमेना देखने को मिल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं रिएक्टेंस का भी आपको यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको एक रिलेशन पता है, फाई इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू एल आई, इट मीन्स एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। फ्लक्स लिंकेज जो होता है हमारा क्या होता है, वो करंट जो आपको पास करता है उसी के आपको करंट के प्रोपोर्शनल होता है। वहाँ पर आपको जब उसको इक्वेट करते हो तो आप एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हो जिसको हम एल बोलते हैं, वो हमारा इंडक्टेंस होता है, वो हमारा क्या होता है, इंडक्टेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडक्टेंस का रोल प्ले होगा, और इंडक्टेंस का रोल प्ले होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक एसी सर्किट में अगर इंडक्टिव कॉइल है तो वहाँ पर आपका एक करंट का पोजीशन का रोल प्ले करता है जिसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं। वो फिनोमेना रिएक्टेंस या करंट का पोजीशन जो रोल प्ले करता है उसको रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो हमारा एक्सएल होता है, एक्सएल क्या होता है, वह ओमेगा एल, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड होता है, टू फाई एफ एल। इट मीन्स आप बोल सकते हो अगर इंडक्टेंस है, अगर फ्लक्स है तो इंडक्टेंस होगा, अगर इंडक्टेंस है तो आपको कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि रिएक्टेंस यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। तो इंडक्टेंस और फ्लक्स, तो कहीं ना कहीं आपका इनका एक आपस में संबंध है, फ्लक्स इंडक्टेंस। और अगर इंडक्टेंस यहाँ पर एग्जिस्ट है, इंडक्टेंस का बात हम कर रहे हैं तो रिएक्टेंस का बात तुरंत हम करेंगे, क्योंकि इंडक्टेंस और रिएक्टेंस में भी आपस में आपका एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर फ्लक्स की वजह से इंडक्टेंस का कंसेप्ट और फ्लक्स को आपको एक संबंध की वजह से हमने एक रिएक्टेंस को यहाँ पर रिलेट किया कि इसी फ्लक्स जो लीकेज फ्लक्स की वजह से हमारा एक लीकेज रिएक्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और वह लीकेज रिएक्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। तो उसको अगर मैं अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश करूँ तो उसको आप कैसे दिखाओगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो हमारा सर्किट एग्जिस्ट करेगा वह कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा, ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, जिसमें कोई भी लीकेज नहीं है, आइडियल ट्रांसफार्मर विद नो लीकेज रिएक्टेंस। लेकिन यहाँ पर हमारा x1 x2 प्राइमरी और सेकेंडरी का यहाँ पर क्या है, आपको लीकेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है,
तो यह कहीं न कहीं तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि एक ट्रांसफार्मर में इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आइडियल ट्रांसफार्मर के साथ यह हमारा रिएक्टेंस दोनों वाइंडिंग दोनों साइड आपके क्या हो जाएंगे, आपको रिएक्टेंस उसके साथ श्रेणी में आपको जुड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यह जो आइडियल ट्रांसफार्मर में इसमें हमारा कोई भी क्या है लीकेज फ्लक्स नहीं है, लेकिन यह जो हमारा किसको इंडिकेट करा रहे हैं, यह लीकेज फ्लक्स की वजह से जो हमारा रिएक्टेंस क्रिएट हुआ है वह उसको दर्शा रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड। तो यहां बोल सकते हो आइडियल ट्रांसफार्मर विद नो लीकेज फ्लक्स, विद नो लीकेज फ्लक्स। लेकिन यहां पर लीकेज फ्लक्स प्राइमरी की वजह से एक्स वन आया और लीकेज फ्लक्स सेकेंडरी की वजह से यहां पर एक्स टू आया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर था अब वहां पर प्रैक्टिकल के कंडीशन में इसका रिएक्टेंस का प्रभाव या लीकेज रिएक्टेंस का प्रभाव आपको एक सर्किट में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हमने आपको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का इम्पैक्ट या उसका प्रभाव आपको दिखाया कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर में कैसा पड़ रहा है या उसका सर्किट में कैसा मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको इन सभी को इन्वॉल्व करके अगर एक आपको रियल ट्रांसफार्मर का कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जिसको बोल रहा हूँ रियल ट्रांसफार्मर से वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर भी होगा जिसको रियल में हम यूज करते हैं, तो एक रियल ट्रांसफार्मर के यदि कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट की मैं बात करूँ तो उसका डायग्राम कैसा होगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि डायग्राम जो मैं आपको सर्किट डायग्राम आपको दे रहा हूँ उसका रोल बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्यों होता है? क्योंकि आगे जब मैं आपको सभी का डिफरेंट लोड की कंडीशन में आपको फेजर ड्रा करूँगा तो यह सर्किट डायग्राम आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो सर्किट डायग्राम आपको ट्रांसफार्मर का आपको आना ही चाहिए, बनाना आना चाहिए। जो भी वेरिएबल वहाँ पर है उसको उसका मतलब आपको समझना चाहिए। उन्हीं सभी वेरिएबल को अभी आपको मैं डिटेल एक एक करके आगे लेके चल रहा हूँ ताकि आपको एक कंप्लीट सर्किट जब मैं आपको बनाऊँ तो उसमें जो भी आपको वेरिएबल देखे तो उसका मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाए कि इसका डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं कंप्लीट आपको इक्विवेलेंट सर्किट किसकी बनाने जा रहा हूँ, वह रियल ट्रांसफार्मर। कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए रियल ट्रांसफार्मर, एक रियल ट्रांसफार्मर का जो कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो हमारा कैसा होगा जरा ध्यान दीजिएगा। वो प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्राइमरी का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों एग्जिस्ट होंगे, यहाँ पर आपका लोड कनेक्टेड है उसी प्रकार से अगर मैं प्राइमरी की बात करूं इधर का डायग्राम आपको नो लोड वाली है ये हमारा प्राइमरी का रेजिस्टेंस प्राइमरी का रिएक्टेंस सेकेंडरी का रेजिस्टेंस सेकेंडरी का रिएक्टेंस इधर हमारा V1 होगा यहाँ पर हमारा E1 होगा इधर E2
यहाँ पर करंट I1 फ्लो होगी और यहाँ पर करंट I2 डैश फ्लो होगा जो I2 बाई A के बराबर होगा। तो यह कहीं ना कहीं आपका एक कंप्लीट, इसको आप बोल सकते हो एक कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट है, किसका, एक रियल ट्रांसफार्मर का। यह जो I2 डैश है, मैं डैश I2 डैश बोल रहा हूँ, वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी का हमारा रिफ्लेक्टेड करंट प्राइमरी साइड है। इट मीन्स सेकेंडरी का जो रिफ्लेक्शन हमारा प्राइमरी में पड़ रहा है उस करंट का, उसको हम I2 डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स सेकेंडरी का रिफ्लेक्टेड करंट है I2 डैश, जो प्राइमरी साइड आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि एक कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट हमने आपके सामने एक रियल ट्रांसफार्मर को आपको दिखाने की कोशिश किया, जिसमें हमारा वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, वाइंडिंग का रिएक्टेंस, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नो लोड का हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, यह नो लोड करंट आपको कहलाता है। नो लोड करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोला जाता है कोर लॉस कंपोनेंट और एक को बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। कोर लॉस कंपोनेंट क्या होता है, कोर में लॉस के लिए जिम्मेदार होता है, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का क्या रोल होता है, वह कोर को टोटली मैग्नेटाइज करने का काम करता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि नो लोड करंट का ही हमारे दो कंपोनेंट हैं, आई डब्ल्यू और आई म्यू। तो इस प्रकार से हमारा कहीं ना कहीं आपको एक रियल ट्रांसफार्मर का कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट मैंने आपके सामने बना कर रखा हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लीकेज रेजिस्टेंस या जो भी सॉरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस का एक आइडियल ट्रांसफार्मर के साथ कैसा इसमें आपको सर्किट में हमने चेंजेस करके दिखाया, एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के क्या क्या गुण होते हैं, या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर से कैसे डिफरेंट होता है, इन सभी पॉइंट पर आज हमने डिटेल डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः आपके सामने मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।